Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello student, welcome to Testbook channel. Firstly, thank you for the wonderful feedback given by you on my last video. जैसे कि मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उन क्वेश्चन और उन सजेशंस के आंसर हमें बहुत सारे लोगों से मिले, फॉर किशोर माश्राम, कुलदीप यादव, अंजलि सिंह, मोहित साहू, रोहित कुमार, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छे सजेशन और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए. सो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन का जिक्र करती हूँ जिसको मैंने लास्ट टाइम पूछा था और मेरा क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो गंगा की प्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो वो बैक्टीरिया है डेलोविब्रियो बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया आपका एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो आपके वाटर को प्योर करने के मेथड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ नई ट्रिक्स और इसी वीडियो में मैं आपको वायरस से रिलेटेड, यानी कि मैं आपको नीपा वायरस क्या होता है इसी चैप्टर में कवर कराऊंगी. ठीक है, सो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ वायरस. वायरस जो है वो एक ऐसी कैटेगरी के अंडर आता है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ों को कैरी करके चलता है. यानी कि वायरस आपकी अगर लिविंग बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में काम करेगा, और अगर वो नॉन लिविंग बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो फिर वो वैसे ट्रीट करने लगता है. ठीक है, सो वायरस के अंडर क्या चीज़ें हैं, क्या होता है इसके अंदर, इसको देखते हैं सबसे पहले. सो ये आपका डायग्राम वायरस का. ये जो वायरस है ये आपका कंसिस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड से. यहाँ पर ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड का मतलब या तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड से ये कंसिस्ट होता है. इन दोनों में से कोई एक होगा, ये बात याद रखिएगा, दोनों कभी भी नहीं हो सकते. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से कोट रहता है वायरस. तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है या तो ये होगा या तो डीएनए या फिर आरएनए, और ये जो कोटिंग है ये कोटिंग आपकी होगी किसकी, प्रोटीन की. सो वायरस प्रोटीन से कोटेड होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, और वो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए का बनेगा या फिर आरएनए का. अगर मैं आपको वायरस की ओरिजिन बताऊं तो वायरस जो है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड होता है. ठीक है, और वायरस का लैटिन वर्ड में जो मीनिंग है वो होता है पॉइजन. ठीक है, सो ये पॉइजन के रूप में यूज़ होता है. नॉर्मली भी हम भी जब वायरस के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हम नेगेटिव चीज़ों में वायरस को कनेक्ट करते हैं, ना कि पॉजिटिव चीज़ों में. अब वायरस की खोज कैसे हुई या वायरस को डिस्कवर कैसे किया, कैसे ये ट्रीट होता है उसको देखते हैं. सो 1892 के टाइम पर एक रशियन साइंटिस्ट थे, नाम था इवानोवस्की. ये जो साइंटिस्ट थे ये नॉर्मली टोबैको लीफ पर एक डिसीज जिसे कहते हैं मोज़ेक डिसीज, ये प्लांट्स में बहुत फेमस डिसीज है. सो इस मोज़ेक डिसीज को वो स्टडी कर रहे थे, और इसी मोज़ेक डिसीज की स्टडी के दौरान ही उन्होंने वायरस को डिस्कवर किया. ओके, सो एक रशियन साइंटिस्ट इवानोवस्की ने 1892 के टाइम पर टोबैको लीफ में मोज़ेक डिसीज की स्टडी के दौरान वायरस को खोज करी या वायरस को डिस्कवर किया. अब वायरस की डिस्कवरी के केस में अगर मैं आपको बोलूं कि स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ वायरस कहलाता है वायरोलॉजी. ओके, सो आगे देखते हैं. वायरस जो है वो एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म और बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है कि नॉर्मल आंखों से तो हम इसको देखने को इमेजिन ही नहीं कर सकते. ठीक है, एंड इट्स अ नॉन सेलुलर, किसी भी प्रकार की सेल इसमें नहीं होती है. दूसरी चीज़, मैंने आपको उसका कंसेप्ट बता दिया है कि वो डीएनए आरएनए से कंप्लीट होता है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए जो लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन दोनों के बीच की कड़ी हो, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट हो, तो आंसर वुड बी वायरस. ठीक है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे कई सारे
क्वेश्चंस पूछे थे या अपने वीडियोस में आपके जवाब आए, आपके कमेंट्स आए. सो जो क्वेश्चन मैंने पुट किया था, उस क्वेश्चन का आंसर है या आंसर था डेलो विब्रियोस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर. ओके, कई सारे स्टूडेंट ने इसमें वायरस बोला था, बट वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और यही बैक्टीरिया आपके गंगा वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसको सबसे पहले डिस्कवर स्टॉल्प और स्टेर करके दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने किया था. सो वायरस भी अपने होस्ट के साथ ही काम करता है और इसीलिए होस्ट के हिसाब से हम वायरस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है. और वो क्लासिफिकेशन जो होगा वो उसके होस्ट के हिसाब से होगा, ठीक है. सो यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन आप ऐसे कर लो कि एक होता है प्लांट वायरस, दूसरा है एनिमल वायरस एंड थर्ड इज बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है. ये हैं आपके 3 टाइप. प्लांट वायरस जो है वो प्लांट वायरस में हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड हमेशा आरएनए होगा. प्लांट वायरस में आपको डीएनए नहीं मिलेगा, ठीक है. एनिमल वायरस में या तो डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे, याद रखिए. और बैक्टीरियोफेज के केस में इसके अंदर होगा केवल डीएनए. ये आपके 3 टाइप. प्लांट वायरस नॉर्मली आपका जैसे मोज़ेक वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. एनिमल मम्स इन्फ्लुएंजा या ऑर्थोमिक्सो वायरस इसको कह सकते हो आप. बैक्टीरियोफेज वायरस ये कह लो कि ये एक यूज़फुल वायरस है. कैसे? कि आपके पानी में जो काई लग जाती है या जो अदर वायरस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम बैक्टीरियोफेज वायरस करता है, ठीक है. अब यहाँ पर एनिमल के केस में मैंने आपको बोला कि डिजीज़ ये हमेशा कॉज करेगा, तो हमें यहाँ पर आपके वायरस से होने वाली डिसीजेस को याद करना है और वायरस से होने वाले डिसीजेस के बारे में जानना है. सो फिर वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, दैट इज ट्रिक. सो बने रहिए हमारे साथ, आगे देखते हैं. बहुत सारी डिजीजेस होती है वायरस से, सो ये लिस्ट आपको याद रखनी है. इस लिस्ट में भी मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजन. तो पैथोजन यहाँ पे आपको मेन वायरस होंगे, ठीक है. अब इसी वायरस को जानने के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक अब हम अपनी अप्लाई करेंगे यहाँ पर. तो वायरस की ट्रिक के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. एक था छोटा सा चिक. ये जो चिक था ये पोलो खेलने गया, ठीक. जब ये पोलो खेलने गया तो इसकी जो अम्मी थी, इसकी जो मम्मा थी, उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि ये पोलो में जीत गया, विनर था, ठीक है. तो यहीं पे आप ट्रिक थोड़ी सी कनेक्ट करना. हमारी सही ट्रिक इसकी ये है, पोलो जीत के अम्मी का स्मॉल चिकन हिट रहा, ठीक है. ये हमारी ट्रिक. सो इसी ट्रिक को हम लोग आगे कैरी करते हैं कि कैसे क्या डिजीजेस इसने कवर करी. पोलो, यहाँ पे पोलो से आप याद रखोगे दैट इज पोलियो, ठीक है. जे से आप याद रखोगे जॉइंडिस, दैट इज पीलिया. इसको आप हेपेटाइटिस भी कह सकते हो क्योंकि जॉइंडिस जब अपनी लास्ट स्टेज में आता है तो वो हेपेटाइटिस में ही कन्वर्ट होता है. टी से याद रखोगे ट्रेकोमा, ठीक है. ए से याद रखोगे एड्स. दोनों एम से याद रखोगे मीजल्स एंड मम्स, ठीक है. आई से याद रखोगे इन्फ्लुएंजा. थोड़ी सी लेंदी है ये ट्रिक, लेकिन अगर आप याद करने बैठोगे इसको तो ये इजली याद हो जाएगी क्योंकि स्टोरी आप यहाँ पे फ्रेम करोगे, है ना. सो के हमारा यहाँ पर पिछले बार की तरह साइलेंट रहेगा. हमने पिछले बार भी ऐसे ही साइलेंट रखा था इसको. स्मॉल, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रख जाएगा, दैट इज़ अ स्मॉल पॉक्स. चिकन, दैट इज चिकन पॉक्स, ठीक है. एंड एच से याद रखोगे वायरस की सबसे ज़्यादा खतरनाक डिसीज़, दैट इज़ हर्पीस. हर्पीस डिसीज़ काफ़ी डेंजरस मानी जाती है. हर्पीस डिसीज़ में स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है, ये इस तरह के फीचर्स शो करता है. एंड आर से आप याद रखोगे रेबीज़. सो ये है आपकी
ट्रिक कि पोलो जीत के अम्मी का स्मॉल चिकन हिट रहा. पोलो से पोलियो, स्मॉल से स्मॉल पॉक्स, चिकन से चिकन पॉक्स. ये तीन चीज़ अगर आप माइंड में रखते हो तो आपको ट्रिक हिट करेगी कि आपको वो वाली ट्रिक हमें यहाँ पर लगानी है या ये वाली ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे. ठीक है, हमेशा की तरह या लास्ट टाइम जैसे हमने अपने क्वेश्चंस को पुट किया था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर रख रखा है ताकि आपको अगर आप क्वेश्चन ये क्वेश्चन करने में आप एबल हैं, दैट मीन्स आपको ट्रिक और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए. तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए इन्हीं क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं. सो आपका पहला क्वेश्चन है, एट्स इज ए और एन, यानी कि जो एट्स है वो है क्या, क्या होता है, वायरस डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, प्रोटोजोअल है. तो वही चीज़ भाई, अम्मी से हमने याद रखा था कि ए से आ रहा था क्या, अम्मी के ए से आ रहा था एड्स. ठीक है, और अम्मी के पोलो या पोलो जीत के अम्मी का स्मॉल चिकन, ये था स्मॉल चिकन यानी कि वायरस वाली डिसीज़ आ गई. सो यहाँ पर जो ए है वो कैसी डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है. हमेशा याद रखिएगा कि एड्स एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें व्यक्ति कभी भी एड्स से नहीं मरता. नॉर्मली एड्स के केस में WBC का काउंटडाउन कम हो जाता है और अदर डिजीजेस बहुत जल्दी बॉडी को घेरती हैं. इसीलिए एड्स में हमेशा जो डेथ होती है वो किसी और डिसीज़ की वजह से होती है, एड्स के कारण नहीं. ये क्वेश्चन आ चुका है कि एड्स में व्यक्ति किस डिसीज़ से मरेगा, उसमें ऑप्शन एड्स भी था. तो अधिकतर स्टूडेंट्स एड्स ही ट्रिक करेंगे क्योंकि भाई वही डिसीज़ है. लेकिन याद रखना कि एड्स में व्यक्ति एड्स से नहीं बल्कि अदर डिसीजेस के कारण उसकी डेथ होगी. आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस के साथ. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स वायरस डिस्ट्रॉय. मैंने वही कहा पहले क्वेश्चन में आपको कि एड्स में WBC का काउंटडाउन कम हो जाता है. लेकिन अब देखो यहाँ पर उन्होंने WBC, RBC, प्लेटलेट्स आपको ना दे करके बल्कि इनके नॉर्मल साइंटिफिक नेम दिए हैं. सो आपके एड्स में WBC डिस्ट्रॉय होती है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन WBC को हम और क्या कहते हैं, तो WBC को हम लिम्फोसाइट कहते हैं. ठीक है, ये एक टाइप का आपकी ग्रेनुलोसाइट WBC के अंडर आती है. सो यहाँ पर लिम्फोसाइट इज योर आंसर, आंसर टू. फिर से बता देते हैं आपको थोड़ा सा इसमें और, जैसे बेसोफिल जो है ये एक टाइप की WBC होती है जो बॉडी को सेरोटोनिन एंजाइम के सिक्रीशन में हेल्प करती है. लिम्फोसाइट आपकी एक ग्रेनुलोसाइट WBC है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. मोनोसाइट आपकी एक ग्रेनुलोसाइट WBC है और न्यूट्रोफिल भी आपकी एक ग्रेनुलोसाइट WBC है. ठीक है, सो ये चारों ही WBC के टाइप दिए गए हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलाइजा टेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर एड्स यूजुअली, यानी कि एड्स के लिए जो टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है दैट इज एलाइजा टेस्ट. अब इस एलाइजा टेस्ट में ई का मतलब क्या है, यहाँ पे दो क्वेश्चन इस चीज़ से बन सकते हैं. एक तो यहाँ पे ई का मतलब क्या है, दूसरा एलाइजा का पूरा फुल फॉर्म क्या है. तो मैं पहले आपको पूरा फुल फॉर्म डिफाइन करती हूँ कि वो क्या है. सो एलाइजा टेस्ट में का जो फुल फॉर्म है वो ये रहेगा, डैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे. ठीक है, ये आपके एलाइजा टेस्ट का पूरा फुल फॉर्म. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ई किस चीज़ के लिए यूज हुआ है, तो ई स्टैंड फॉर एंजाइम. सो योर आंसर वुड बी थर्ड. ओके, अब ऐसे ये जैसे टेस्ट की बात आ गई है ना, तो एलाइजा टेस्ट आपको पता चल गया कि वो एड्स के लिए. कुछ और टेस्ट में आपको जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल बायोप्सी टेस्ट, ये जो बायोप्सी टेस्ट है ये टेस्ट कैंसर के लिए यूज होता है. ठीक है, विडल टेस्ट या वाइटल टेस्ट, ये जो वाइटल टेस्ट है ये टेस्ट टाइफॉइड के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, देन स्पुटनम टेस्ट, ये टेस्ट TB ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज किया जाएगा. ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको लास्ट पेपर्स में अगर वो आए हैं तो उनके रिगार्डिंग मैंने आपको ये टेस्ट यहाँ पर बता दिए. हमेशा जानने की कोशिश करो जब आप नॉर्मली अपनी स्टडी कर रहे हो या कोई अपना सेट पेपर आप लगा रहे हो, तो उसमें जो अदर आपके ऑप्शंस दिए हैं उनका क्या मतलब हो सकता है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलने की प्रॉबिबिलिटी बन सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस. राइट, यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है कि वायरस से कौन इन चारों में से वायरस से कौन सी डिसीज नहीं होगी. सो हमारी यहाँ पे आपको दो ट्रिक अप्लाई करनी होगी. एक
एक ट्रिक जो ये वायरस वाली है दैट इज क्या थी, पोलो जीत के अम्मी का चिकन हिट रहा, ठीक है। तो भाई उसमें आपकी यहाँ पे आपको तीनों डिजीजेज मिल रही है, मीजल्स मिल रही है, वो एम आया था, एच हिट रहा में आया था, चिकन पॉक्स भाई चिकन हिट रहा तो आ गया। कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है, कॉलेरा, कॉलेरा नहीं आ रहा है। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट, तो यहाँ पे कल से क्या मतलब था, दैट इज कॉलेरा। आंसर वन, द कॉमन कोल्ड इज कॉस्ड बाय, जो कॉमन कोल्ड होता है जो नॉर्मली हमें मौसम चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो अक्सर जुकाम या कोल्ड हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है, तो नॉर्मली कॉमन कोल्ड की वजह हमेशा वायरस होता है, ठीक। ये आंसर होगा आपका थर्ड। हेपेटाइटिस ए वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि आपका जो हेपेटाइटिस ए वायरस है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, वो कैसे बॉडी के अंदर आ सकता है, तो मैंने आपको लिस्ट में भी मेंशन कराया है, नॉर्मली आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि हेपेटाइटिस ए वायरस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू बॉडी में एंट्री लेता है, तो योर आंसर थर्ड। आजकल अगर न्यूज़ पढ़ रहे हो तो एक और वायरस इस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, सो अब तक तो नाम आ गया होगा आपके माइंड में, एंड दैट इज निपा वायरस। तो चूंकि हम वायरस ही कवर कर रहे हैं तो आई थॉट कि भाई करंट अफेयर का भी इस चीज़ को हम कवर कर ही लेते हैं अपने इस टॉपिक में, सो इसीलिए मैं निपा वायरस में आपको बताती हूँ कि ये क्या है। निपा वायरस जो है, ये निपा वायरस बेसिकली आपके सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया था 1998 में मलेशिया में। ऐसा माना गया कि जो फ्रूट बैट होते हैं, यानी कि वो चमगादड़ जो फल कहते हैं, इन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है वैसे, इन फ्रूट बैट के थ्रू निपा वायरस एनिमल में आया, एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी में, या उनके कॉन्टैक्ट उनके आसपास रहने की वजह से ह्यूमन बॉडी पर इसने अटैक किया। तो कुछ इस तरह से निपा वायरस ने नॉर्मली बॉडी या ह्यूमन बॉडी टू ह्यूमन बॉडी इन्फेक्ट किया लोगों को। सो निपा वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई, मलेशिया में 1998 से। अगर हम इंडिया की बात करें या अदर कंट्रीज़ की बात करें तो आपके इसी निपा वायरस को 2001 में वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में फैब में 2001 में भी निपा वायरस के इन्फेक्टेड लोगों को पाया गया था, ठीक है। देन आफ्टर अभी ये इस समय केरला साइड चल रहा है और निपा वायरस केरला में 2018 में अटैक किया है। ओके, सो होता क्या है इस वायरस के अंदर, इस वायरस में बेसिकली एक हेडेक होता है काफ़ी ज़्यादा, हेडेक के बाद इसमें दो चार दिन के टाइम गैप के से आपके इसी वायरस के अंदर फीवर वगैरह भी आता है। सो वायरल फीवर होता है जो हमेशा लौट लौट कर इसमें आता है। सबसे ख़राब बात निपा वायरस की ये कि इससे होने वाली जो भी डिजीज़ हैं वो अभी तक ट्रीटेड नहीं है, इस डिसीज़ को केवल क्योर किया जा सकता है, केवल रोका जा सकता है। जो निपा वायरस ने सबसे पहले मलेशिया में अपनी जगह बनाई, देन आफ्टर वहाँ से वो बांग्लादेश कवर हुआ और उसके बाद फिर वो इंडिया में। सो इस समय निपा वायरस क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, निपा वायरस का मेन होस्ट क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके लास्ट जो सेक्शन, जिसमें मैंने आपको बोला था कि डिजीजेस कॉज बाय फंगस को भी हम इसमें कवर करेंगे। सो फंगस या जो कवक है इसके बारे में अगर बात करें तो नॉर्मली यीस्ट, मशरूम, ये सब जो है ये फंगस की कैटेगरी में आते हैं। होते क्या हैं, तो फंगस के केस में याद रखो कि दीज आर नॉन क्लोरोफ्लस। नॉन क्लोरोफ्लस का यहाँ मतलब है कि ये पर्णहरित विहीन होते हैं, और इसका मतलब ये हो गया सीधा सा कि दीज आर हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम फंगस की सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल या जो इसकी कोशिका भित्ति है वो सेल वॉल बनी होती है किसकी, काइटिन की, ये भी याद रखना आप, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सो आपके कई सारे जो फंगस हैं या जो आपके कवक हैं वो हो सकते हैं, बेसिकली अगर इनके बारे में हम जानें तो ये तीन पार्ट्स में आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो, दैट इज़ सेप्रोफाइट्स, ठीक है, दूसरा हो सकता है पैरासाइट्स, और तीसरा हो सकता है सिम्बायोटिक, ठीक है। तो ये आपके तीन टाइप के हो सकते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब वो फंगस या वो कवक जो आपके हमेशा किसी ऐसे वेस्टेड मटेरियल या वेस्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पर हमेशा डिपेंड होता है, ठीक है, जो भी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर ये डिपेंड होता है। पैरासाइट्स का मतलब कि ये हमेशा लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल बॉडी से के टिश्यूज से अपने भोजन को ग्रैप करते हैं, ये नॉर्मली हार्मफुल ही होते हैं, हमेशा ये हानिकारक होते हैं, ठीक है।
सिम्बायोटिक का मतलब कि हमेशा ये दूसरे प्लांट्स के साथ ग्रो होते हैं और अपने आप को फीड करते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके तीन टाइप के फंगस या तीन टाइप के कवक, सैप्रोफाइट जिसे हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी, पैरासाइट जिसे हिंदी में कहते हैं परजीवी, एंड सिम्बायोटिक जिसे हिंदी में कहते हैं सहजीवी। सो इसी फंगस से होने वाली डिजीजेस को आगे हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको स्टडीज़ बताई हैं, और नॉर्मली हर चीज़ में वायरस में वायरोलॉजी, बैक्टीरिया में बैक्टीरियोलॉजी, अब फंगस की स्टडी बड़ी आती भी है और बहुत अजीब सी भी है, मतलब याद करने में थोड़ी सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फंगस जो है ये आपका कहलाएगा माइकोलॉजी, ठीक है। सो यहाँ पर एक माइकोलॉजी और एक और सुना होगा, दैट इज फाइकोलॉजी। ये सो ऐसे याद कर लो कि भाई देखो इसमें फा आ रहा है फाइकोलॉजी और यहाँ पे फंगस में फा आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि फाइकोलॉजी फा से फंगस, फा से फाइकोलॉजी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आंसर माइकोलॉजी हो जाएगा। अब फाइकोलॉजी अगर क्या है तो मैं बता दूँ कि फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। और अगर फंगस और एल्गी के बीच की कोई चीज़ निकाले कि भाई इंटरमीडिएट ऑफ फंगस एंड एल्गी, तो आंसर हो जाएगा लाइकेन। ये बहुत आता है, लाइकेन क्या है, तो लाइकेन फंगस यानी कि कवक और एल्गी के बीच की कड़ी होता है, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि भाई फंगस डिसीज को याद करने की क्या ट्रिक रहेगी। दो लड़की थी, एक थी आस्था और एक जो भी अपना नाम जाना चाहो, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेना चाहो वो ले लेना, ठीक है। सो यहाँ पर एक लड़की थी, एक आस्था, उस आस्था की जो रिंग थी वो आस्था की रिंग किसी और लड़की या जो भी लड़की आपने अज्यूम करी है उस लड़की से आस्था की जो रिंग थी वो बदल गई। तो यहाँ पर आपको बस इतना सा याद रखना है एंड यही आपकी ट्रिक है। आस्था जो है, इस आस्था से दो डिसीज याद करोगे, एक अस्थमा और दूसरा एथलीट फूट, ठीक है। से याद रखोगे स्कैबीज, ठीक है। रिंग से याद रखोगे रिंग वॉर्म, ठीक है। और बदली से याद रखोगे बाल्डनेस, गंजापन, ठीक है। सो हियर्स अ ट्रिक कि आस्था से रिंग बदली, ये हो गई आपकी फंगस डिजीज को याद करने की पूरी ट्रिक। अब फिर से हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एथलीट फूट और टीनिया पेडिस। देखो उन्होंने दो चीज़ दे दी है कि एथलीट फूट भी दे दिया और उसका जो पैथोजन है वो भी उन्होंने प्रोवाइड किया। सो एथलीट फूट या टीनिया पेडिस जो है वो निम्न में से किसके कारण होता। सो हमने ट्रिक याद करी थी कि आस्था से बदली रिंग या आस्था से रिंग बदली। सो यहाँ पर जो आस्था थी उससे अपन ने दो डिसीज याद करी थी, एक थी अस्थमा और दूसरी थी क्या एथलीट। तो एथलीट फूट ट्रिक कौन सी आएगी, फंगस की आएगी, यानी कि आंसर क्या होगा, फंगी। सो दैट इज थर्ड। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ख़त्म होता है आज का ह्यूमन डिसीज़ का सेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डिसीज़ चार चीज़ों से होगा, एक बैक्टीरिया, एक वायरस, एक फंगस और एक प्रोटोजोआ। हमने चारों कैटेगरी को डिवाइड किया और अपने ट्रिक के माध्यम से या अपने ट्रिक के थ्रू हमने उन चीज़ों को कवर किया। कोशिश करिएगा कि अपनी ट्रिक अपने माइंड में रखिएगा, जिसके लिए आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और हमें कमेंट में बताइएगा। पॉलिटी को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। सो पॉलिटी में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनमें से आप क्या पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट डेली करंट अफेयर, डाउनलोड अवर डेली करंट अफेयर ऐप, एंड टू सॉल्व फ्री टेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम, डाउनलोड अवर टेक्स्ट बुक ऐप। थैंक यू।